हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजे में होंगे। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, दैट इज रोमन टू इंटीजर। ये एक इजी लेवल क्वेश्चन है, बट कई बार हमें इंटरव्यू में इसे पूछ लिया जाता है या फिर कॉलेज लेवल के बेसिक प्लेसमेंट क्वेश्चंस में ये आता है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें रोमन नंबर गिवन होगा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में और हमें एक इंटीजर रिटर्न करना है। ठीक है, इसमें कुछ एज सच क्वेश्चन में समझने लायक नहीं है, बट कॉन्सेप्ट में हम थोड़ा बहुत कुछ समझ सकते हैं। सो डायरेक्टली वी विल जंप इनटू द कॉन्सेप्ट। ओके, सो बेसिकली हमें रोमन नंबर टू इंटीजर कन्वर्ट करने से पहले थोड़ा बहुत रोमन नंबर के बारे में पता होना चाहिए। तो रोमन नंबर में बेसिकली सेवन सिंबल्स होते हैं। आई डिनोट्स फॉर वन, वी का मतलब होता है फाइव, एक्स का मतलब होता है टेन, एल का मतलब होता है फिफ्टी, सी का मतलब होता है हंड्रेड, डी का मतलब होता है फाइव हंड्रेड, एम का मतलब होता है वन थाउजेंड। सिंपल, ठीक है। अब हम देखते हैं यार कि अगर कोई भी रोमन नंबर गिवन होता है तो उससे हम इंटीजर आखिरकार बनाते कैसे हैं। ठीक है, मैं दो सिंपल से एग्जांपल लूंगा, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, आई गारंटीड। उसके बाद हम बड़े बड़े सम जैसे ये दोनों हैं, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं ये दो सिंपल से लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका हमें पता है ना, आपको थोड़ा बहुत भी आपको रोमन नंबर पता होगा, तो ये सिक्स है और ये फोर है, बट ये आखिरकार यार निकलता कैसे है। ठीक है, ये देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक आंसर वेरिएबल ले लिया जिसमें कि मैं अपने आंसर को रखूंगा हर बार। ठीक है, कूल। तो बेसिकली ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे कैरेक्टर्स को देखेंगे। तो लेट सपोज हम पहले इस कैरेक्टर को देख रहे हैं। ठीक है, ये वाले कैरेक्टर को, तो हम हमेशा क्या करेंगे मालूम, ये अगर आईथ कैरेक्टर है तो आई प्लस वन वाले कैरेक्टर से कंपेयर करेंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा अभी कुछ देर के लिए नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखो आई वाला कैरेक्टर जो है, ठीक है, वो क्या है, फाइव, और आई प्लस वन वाला जो कैरेक्टर क्या है, वो है तो फोर। ठीक है, तो अगर आई वाला कैरेक्टर आई प्लस वनथ वाले कैरेक्टर से बड़ा निकले, व्हाट आई वांट टू से, अगर करंट कैरेक्टर अपने नेक्स्ट कैरेक्टर से बड़ा निकले, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस आंसर में उसको ऐड कर देना है। ठीक है, पहले जीरो था और आई की वैल्यू क्या है, फाइव, तो हमने फाइव को ऐड कर दिया। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई पे क्या है, वन, इसका आई एथ कैरेक्टर तो है नहीं, तो हम सिंपली इसको ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ गया सिक्स। इज इट क्लियर, हमने एक पहला जो रोमन नंबर था उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, जो कि हमारा आया सिक्स, और हमको पता भी था ना ये सिक्स ही होगा, है ना, कूल। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ट्राई करते हैं इसी कॉन्सेप्ट से आई वी का रोमन नंबर, सॉरी इंटीजर हम कैसे बनाएंगे, ये हम सोचते हैं। ठीक है, अब मैं ये आंसर को यहाँ नीचे लाता हूँ। ठीक है, अब हम फिर से यही टेक्निक अपनाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक स्ट्रिंग है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आइटरेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम आए आई यहाँ पे। अब ये जो आई क्या है, करंट कैरेक्टर है, और नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, वी, तो आई का वैल्यू क्या है, वन, और इसके नेक्स्ट में क्या है, फाइव। अब ध्यान से देखना, जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो करंट कैरेक्टर से बड़ा है। इस केस में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आंसर है उसमें से ये नंबर जो आईथ कैरेक्टर है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जीरो माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन। कूल, ठीक है, ध्यान रखना, अगर करंट कैरेक्टर प्रीवियस कैरेक्टर से बड़ा है तो हम ऐड करेंगे, अगर करंट कैरेक्टर प्रीवियस कैरेक्टर से छोटा है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ गए, तो इसमें क्या है, फाइव, और इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो हम सिंपली इसको ऐड कर देंगे, तो माइनस वन प्लस फाइव क्या हो जाएगा, फोर, और हमको डिजायर्ड रिजल्ट भी तो हमारा फोर था, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, सिंपल, ठीक है, बहुत ही इजी है, ऐसा कुछ खास चीज में है नहीं। ठीक है, तो हम क्या बना दिए, एक हमने सिंपल सा हमने एक डिसीजन या फिर एक फॉर्मुलेशन बनाया कि अगर हमारा करंट कैरेक्टर प्रीवियस कैरेक्टर से, या फिर ऐसा बोलो नेक्स्ट कैरेक्टर से, सॉरी, अगर हमारा करंट कैरेक्टर नेक्स्ट कैरेक्टर से बड़ा है या इक्वल है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन अगर हमारा करंट कैरेक्टर हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर से छोटा निकले, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। इज दिस क्लियर, दिस इज द मेन पार्ट यार। अगर
यही बस मैं समझाना चाहता था, अगर ये आपको समझ आ गया ना तो आप इजीली खुद से भी कोट कर सकते हो, टेंशन मतलब ऐसे भी मैं कोट करके दिखाऊंगा, बट मैं बोल रहा हूँ ठीक है। ओके इट इज ऑलवेज की ना यार, आप खुद से एक बार कोड का प्रैक्टिस करो ठीक है, क्योंकि उससे ही आप ग्रो करोगे, देख देख के थोड़ी ग्रो करोगे, एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, उसके बाद नहीं समझ आता है फिर देखो नो प्रॉब्लम, क्योंकि यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल है वीडियो यार, कहीं जाऊंगा थोड़ी मैं ठीक है। अब देखो LVIII, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए। ओके सो बेसिकली हमें स्ट्रिंग गिवन है LVIII, ठीक है, तो हम अगेन स्ट्रिंग को जैसे हम आइट्रेट करते हैं, पहले हम आई पे आएंगे, आई की वैल्यू क्या है यार, एल, एल क्या है 50, और आई प्लस वन पे हमारे पास क्या है 5, आई प्लस वन पे वी है ना 5, तो जो हमारा करंट कैरेक्टर है वो बड़ा है प्रीवियस नेक्स्ट कैरेक्टर से, तो हम सिंपली इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे हमारे करंट कैरेक्टर को, करंट कैरेक्टर की वैल्यू क्या है 50, 0 प्लस 50, 50, फिर हम आई को आगे बढ़ाए। अब देखो अब हमारे आई में क्या है 5, और हमारे आई प्लस वन में क्या है 1, अगेन हमारा आई आई प्लस वन से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे सिंपली इसमें अगेन 50 प्लस 5, इट विल बिकम 55। ओके फिर हम आगे बढ़ेंगे, हमारा करंट कैरेक्टर मतलब आईथ कैरेक्टर क्या है 1, और जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर आई प्लस वन कैरेक्टर है वो क्या है 1, ठीक है, तो भले बड़ा नहीं है बट इक्वल्स तो है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे 55 प्लस 1 क्या हो जाएगा 56, क्लियर। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब हम यहाँ आ गए सेकेंड लास्ट कैरेक्टर पे, आई का वैल्यू क्या है 1, आई प्लस वन का वैल्यू क्या है अगेन 1, तो वो भले ही बड़ा नहीं है बट इक्वल तो है, इस केस में हम क्या करते हैं ऐड, तो हमने ऐड कर दिया ठीक है कूल। फिर हम आई को आगे बढ़ाते हैं, अब आई इस आई का तो आई प्लस वन है नहीं तो इसको तो हम ऐड ही करेंगे, तो हमें क्या मिल गया 58, ठीक है, और अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो इसका आंसर 58 ही होता है। ओके कूल सो सिंपल है, करंट कैरेक्टर अगर बड़ा है या इक्वल है नेक्स्ट कैरेक्टर से ऐड करो, करंट कैरेक्टर अगर छोटा है तो सबट्रैक्ट करो, नो झंझट। ओके अब मैं जो ऊपर वाला है जो शायद थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा हो उसको हम सॉल्व करते हैं ठीक है, सो लेट्स सी हम इसको सॉल्व करते हैं ठीक है। अगेन ये एक स्ट्रिंग है, हम आई को यहाँ से चालू करेंगे ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या है यार, आई की वैल्यू है, आई में बेसिकली एम है और एम की वैल्यू होती है 1000, आई प्लस वन पे क्या है, आई प्लस वन पे सी, और सी क्या है 100, तो जो हमारा कैरेक्टर करंट कैरेक्टर है विच इज आई वो ग्रेटर है, अगर ग्रेटर होता है तो हम क्या करते हैं सिंपली हम आंसर में ऐड कर देते हैं, तो हमने क्या किया आंसर में 1000 ऐड कर दिया। ओके गुड फिर हम आई को आगे बढ़ाए, आई की वैल्यू क्या है सी, और सी की वैल्यू क्या है 100, और आई प्लस वन में क्या है एम, एम क्या है 1000, यहाँ पे देखो यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट आया भाई है ना, अब ये बेसिकली आई प्लस वन बड़ा हो गया मतलब नेक्स्ट कैरेक्टर बड़ा हो गया, उस केस में हम क्या करते थे जो भी आयत कैरेक्टर होता था उसको हम सब्ट्रैक्ट करते थे, तो सी की वैल्यू क्या है 100, तो 1000 माइनस 100 अगर हम कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 900, ठीक है ओके। फिर हम आई को इंक्रीज करते हैं, अब आई की वैल्यू क्या है, आई में क्या है एम, एम की वैल्यू क्या है 1000, ठीक है, तो ये हमारा करंट कैरेक्टर है। अब हम हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर मतलब आई प्लस वन कैरेक्टर, आई प्लस वन में क्या है 10, ठीक है, तो हमारा जो आई प्लस वन वाला कैरेक्टर है वो तो यार छोटा है, छोटा है तो अच्छी बात है, छोटा है तो हम क्या करेंगे सिंपली ऐड कर देंगे, तो 900 प्लस 1000 इट विल बिकम 1900, क्लियर। फिर हमारा आई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो आई पे क्या एक्स, सो इट इज 10, आई प्लस वन पे क्या है, आई प्लस वन पे सी एंड सी इज 100, तो यहाँ पे देखो यहाँ अगेन ट्विस्ट आ गया, आई प्लस वन क्या हो गया बड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे 1900 में हम 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो इट विल बिकम 1890, क्लियर। फिर हम आगे बढ़ेंगे ठीक है, थोड़ा सा ये जो प्रोसेस है थोड़ा लंबा लग रहा होगा बट ना यार आप एक बार करोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे ठीक है, और ट्रस्ट में कभी कभी इंटरव्यू में आ जाता है और आप कंफ्यूज हो जाओगे उस एट द मोमेंट ठीक है। तो अब हम आगे सी पे ठीक है, तो अब सी आई का वैल्यू क्या है सी एंड सी इज 100 ठीक है, और आई प्लस वन क्या है आई, आई प्लस वन में क्या है आई, और आई की वैल्यू क्या है 1,
तो हमारा जो करंट कैरेक्टर है वो तो यार बड़ा हो गया, ठीक है, बड़ा है तो हमें क्या करना है, बस ऐड कर देना है। तो अगर मैं इसमें 100 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 199 एंड 0, क्लियर? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम जैसे आगे बढ़े तो आई में क्या है, आई मतलब 1, और आई प्लस 1 में क्या है, वी, वी का मतलब होता है 5। तो अब हमारा जो राइट हैंड साइड है वो बड़ा हो गया यार, है ना। उस केस में हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, हम इसमें 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इट विल बिकम 1989। कूल, 1989। अब हम आई को आगे बढ़ाएंगे तो आई में क्या है, 5, बट यार इसके आगे तो कोई पोजीशन ही नहीं है, तो हम सिंपली इसमें 5 को ऐड कर देंगे। सो 1989 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 1994। एंड अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो ये जो होता है इस रोमन नंबर का इंटीजर यही होता है, 1994। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हमारा करंट कैरेक्टर बड़ा या इक्वल हो जाता है नेक्स्ट कैरेक्टर के तो हम प्लस करेंगे, और अगर हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर बड़ा हो जाता है हमारे करंट कैरेक्टर से तो हम सबट्रैक्ट करेंगे, सिंपल। एक चैलेंजिंग पार्ट यह है कि ये जो हम लोग सिंबल बना रहे हैं, ठीक है, कि कैसे हमें पता चलेगा कि आई का मतलब 1 है, वी का मतलब 5 है, एक्स का मतलब 10 है, एल का मतलब 50 है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। आप स्विच केस से, इफ एल्स की, स्विच केस से बना सकते हो, इफ एल्स की मदद से बना सकते हो, बट ये जो तरीके है ना वो उतने अच्छे नहीं है, ठीक है। आप सबसे बेस्ट क्या करो, मैप यूज करो या हैश मैप यूज करो, जावा में हो तो हैश मैप यूज करो, C++ में हो तो मैप यूज करो। मैं तो इसी को बनाऊंगा, इसी को प्रिफर करता हूँ, ठीक है। भले ही आपको थोड़ा सा, आप अगर बिगनर हो तो आपको ये वाले दो प्रोसेस ज्यादा अच्छे लगेंगे, प्लस पर प्लीज यार आप मैप, हैश मैप में शिफ्ट हो, ठीक है। थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा, बट ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है, या बहुत अच्छा यू कैन से टूल है, ठीक है। सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, आप एक बार खुद से भी ट्राई रन कर सकते हो, एंड वैसे भी मैं कोड करने वाला हूँ, कोड से आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। सो लेट्स मूव इनटू द कोडिंग पार्ट। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हम कोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसको C++ में कोड करूंगा, एंड देन सेम कोड को मैं कुछ मॉडिफिकेशन करके जावा को कोड बना दूंगा, ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहले तो हमको यार एक मैप बनाना पड़ेगा, और वी हैव टू असाइन इंटीजर वैल्यू टू दी कैरेक्टर्स। कौन से कैरेक्टर्स, आई, वी, एक्स, ये सबको। तो मैं एक मैप बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैप में पहले वाले को मैं कैर रख रहा हूँ, कैरेक्टर रख रहा हूँ, और दूसरे वाले को इंटीजर। क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि पहला वाला हमारा कैरेक्टर है, आई, वी, एक्स, और वैल्यू हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग में मैप में 7 वैल्यूज को पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो कैसे करते हैं हम, मैप डॉट इंसर्ट, ठीक है, और हमें एक पेयर डालना है, तो आप मेक पेयर यूज कर सकते हो या फिर ये यूज कर सकते हो। हमें कौन सा कैरेक्टर डालना है, आई, और आई की क्या वैल्यू होगी, 1। सिंपल, इसी तरह से हम मैप बनाते हैं, कोई बहुत बड़ी, सो कोई बहुत बड़ी चीज है ही नहीं ये, ठीक है। तो ऐसे मैं और कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, 7 हमें बनाने हैं, ठीक है। हमने हमारा जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको हमने इंटीजर वैल्यू असाइन कर दिया, फेयर, ठीक है। अब हम हमारे फॉर लूप को चलाते हैं, ठीक है, या फिर फॉर लूप बोल लो, या फिर हम वाइल लूप चला लेते हैं, ठीक है। इंट आई इज इक्वल टू 0, और मैं क्या करता हूँ ना यार, एक स्ट्रिंग का जो साइज है उसको भी मैं स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसको मैं कैसे स्टोर कर लूँ, एन में स्टोर कर लूँ, s.size, ठीक है। इससे हमारे क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग का हमें लेंथ मिल गया, ठीक है, कुल। तो अब हम जो हमारा वाइल लूप है वो कब तक चलाएंगे, ऑब्वियस बात है आई लेस देन एन तक चलाएंगे, है ना। एक सेकेंड है, इसको मैं हाइड ही कर देता हूँ कंप्लीटली, ठीक है, आई लेस देन एन तक चलाएंगे, ठीक है। अब बेसिकली हमें क्या करना है, हम उसमें करंट कैरेक्टर और नेक्स्ट कैरेक्टर बना रहे थे ना, वैसे ही मैं कर देता हूँ, ठीक है। कैर इज इक्वल टू, एक मैं बना देता हूँ करंट कैरेक्टर, तो करंट कैरेक्टर कौन सा होगा, एस आई वाला हमारा करंट कैरेक्टर हो जाएगा, और हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होगा, नेक्स्ट कैरेक्टर विल बी si+1, ठीक है। तो ये हमारा करंट कैरेक्टर हो गया, ये हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर हो गया। जैसे अगर मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल से बताऊं, अगर कोई भी ऐसा मैं ले लूं MMXII, तो अगर मेरा आई का वैल्यू 0 है तो एम मेरा करंट कैरेक्टर होगा, एक्स मेरा नेक्स्ट कैरेक्टर होगा, ठीक है, सिंपल है, ओके। अब हमारे पास दो ऑप्शन आते थे, अगर हमारा जो करंट कैरेक्टर का वैल्यू, ठीक है, करंट कैरेक्टर नहीं, करंट कैरेक्टर का वैल्यू, क्योंकि हमें एम और एक्स में कंपेयर नहीं करना है,
एम से जो वैल्यू असाइंड है, एम से क्या कौन सी वैल्यू असाइंड है? 1000। एक्स से कौन सी वैल्यू असाइंड है, या फिर एक्स के साथ कौन सी वैल्यू पेयर्ड है? 10। उनके बीच कंपेयर करना है ना। तो मैं क्या करूंगा, एम पी करंट कैरेक्टर, ठीक है, इससे मुझे क्या मिलेगा, जो भी करंट कैरेक्टर है उसकी इंटीजर वैल्यू क्या है, ठीक है, अगर वो बड़ा है या बराबर है किससे, नेक्स्ट से, ठीक है। अगर नेक्स्ट कैरेक्टर से वो बड़ा है या बराबर है, उस केस में हम क्या करते थे यार, उस केस में हम सिंपली हमारे आंसर में हम ऐड करते थे। तो हमें एक आंसर वेरिएबल भी तो बनाना पड़ेगा ना यार, बिना आंसर के कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो हम उसको क्या करते थे, आंसर में ऐड कर देते थे। तो आंसर प्लस इक्वल्स टू एम पी करंट कैरेक्टर, क्योंकि हम करंट कैरेक्टर की जो भी वैल्यू होती थी हम उसको ऐड करेंगे, क्योंकि हमें एम एक्स से मतलब नहीं है, उसकी वैल्यू से मतलब है, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम सब्ट्रैक्ट कर देते थे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या दिक्कत है, एम पी करंट कैरेक्टर, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। और हम ऑब्वियसली बात है, हमको लूप चलाना है तो आई को तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा, ठीक है। और फाइनली हमारा जो भी आंसर होगा हम उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। फेयर एंड ईजी, बहुत ही ईजी है, ठीक है। अगर आप मैप से ज़्यादा फेमिलियर नहीं हो तो प्लीज़ मैप को पढ़ो, क्योंकि वो आपको बहुत आगे काम आएगा, ठीक है। सो इट इज़ वेल एंड गुड रनिंग। इसको मैं सेम को ना कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, और मैं इसको जावा का कोड बना दूंगा, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि हम कोई भी मतलब एन नंबर ऑफ स्टेप्स में ही जा रहे हैं, मतलब पूरे स्ट्रिंग में एक ही बार बस आइट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, या स्पेस थोड़ा सा हम ले रहे हैं, ऑर्डर ऑफ एन ले रहे हैं, क्योंकि हमें मैप लेना पड़ रहा है, बट आपको स्पेस लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि या तो आप एरे लोगे, है ना, मतलब एरे कैसे लोगे, 256 का एरे ले लो, क्योंकि हम बेसिकली हम जो भी हमारी आस की वैल्यू होगी उतनी बड़ी हम एरे ले सकते हैं, है ना। या फिर आप इफ एल से बनाओगे तो बड़ा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिखता है यार, मतलब वो नूबी स्कोर दिखता है, ठीक है। इससे अच्छा मुझे तो ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। सो अगर आपको कोई दूसरा टेक्निक पसंद है तो उसको भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं हैश मैप बना लेता हूँ, क्योंकि जावा में व्हाट वी यूज हैश मैप। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैरेक्टर, बिकॉज इन जावा इन हैश मैप वी यूज टू डू द क्लास थिंग्स। मैप इज इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, ठीक है, कूल, ठीक है। हमने मैप हैश मैप बना दिया। अब यार इसमें क्या होता है, हमें पुट करना पड़ता है, तो थोड़ा सा अच्छा खासा मेहनत लग जाएगा, ठीक है। मैप डॉट पुट, ठीक है, इससे क्या होगा, आई में ये पुट हो जाएगा। मैंने मैप डॉट पुट डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग का अगर हमें लेंथ निकालना है तो हमें साइज यूज नहीं करना पड़ेगा, लेंथ यूज करना पड़ेगा, बाकी उससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। अब करंट कैरेक्टर इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एस डॉट कैर एट आई, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो भी आईएथ में कैरेक्टर है वो हमें दे देगा। फिर इसमें हम ऐसे डायरेक्टली इंडेक्स नहीं कर सकते, ठीक है, आई प्लस वन। तो इसे क्या होगा, नेक्स्ट कैरेक्टर हमें मिल जाएगा विच विल बी एस डॉट कैर एट आई प्लस वन, ठीक है। अब इसमें हम बेसिकली ऐसे डायरेक्टली हम एक्सेस नहीं कर सकते जावा में, तो हम बेसिकली इसको क्या करेंगे, मैप मैप डॉट गेट, ठीक है। सो इससे ये बेसिकली उसकी वैल्यू निकाल लेगा, ठीक है, मैप डॉट गेट करंट कैर। एंड हियर ऑल्सो वी हैव टू डू समथिंग लाइक दैट, मैप डॉट गेट, ठीक है, मैप डॉट गेट नेक्स्ट कैर, सिंपल, ठीक है। थोड़ा सा ये मॉडिफिकेशन है, ठीक है। उसमें फिर यहाँ पे आंसर में क्या ऐड करेगा, आंसर में भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, बिकॉज हम मैप में अगर हमारे पास कोई भी लेट सपोज की है तो हम ऐसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते जैसा हम C++ में कोड करते हैं, बट ऐसा डायरेक्टली हम नहीं कर सकते। सो इसलिए हमको ये थोड़ा बहुत जब हम जावा में कोड करते हैं, वी हैव टू चेंज इट, मैप डॉट गेट, ठीक है, कूल, ओके। सो आई गेस हमने जितना भी हमें चेंज करना था हमने कर लिया है, अब हम एक बार रन करते हैं, ओके। सो अगर आप C++ में सुटेबल हो तो C++ में देख लो, और अगर आप जावा में सुटेबल है तो आप जावा देख लो, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट कैर इज इक्वल टू एस डॉट कैर एट आई प्लस वन। सो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ बाउंड चला जा रहा है ये, ठीक है। सो एक्चुअली यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन आ जा रही है, ठीक है, क्योंकि C++ में एक्सेप्शन नहीं आ रहा था, बट इसमें आ रहा है कि आई प्लस वन है तो ये स्ट्रिंग के उस वाले पार्ट में तो कुछ है ही नहीं, है ना। सो इसको सिंपली हम स्मार्टली टैकल कर सकते हैं कि यार हम क्या बोलें, अगर मान लो
जो हमारा आई है अगर वो नॉट इक्वल्स टू एन माइनस वन है तभी तुम वहां पे जाओ, ठीक है। अगर ऐसा है तभी हम वहां तुम वहां पे जाओ, वरना वहां पे मत जाओ, ऐसा हम बेसिकली उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है। सिंपली थोड़ा सा हम स्मार्टनेस से इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैर को यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, और इसमें बेसिकली हम सिंपली एक स्ट्रिंग मतलब एक कैरेक्टर जो कि आई रख लेते हैं, ठीक है। सिंपल, तो मैंने इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट मतलब ऐसा कुछ ऐसा नहीं किया, बस स्मार्टली इसको हैंडल कर रहा हूँ कि यार अगर आई एन माइनस वन नहीं है तो आप तुम इसको करो, नहीं तो उसमें आई को रख दो और उसको सिंपली कैलकुलेट करो, ठीक है। सो इसको हम एक बार रन करते हैं एंड देन वी विल सी वेल इफ दिस विल वर्क। ओके, सो इट्स वर्किंग वेल एंड गुड। एक बार हम इसको सबमिट करके देखते हैं एंड देन वी विल सी। ओके, सो ओके, सो इट इज वेल एंड गुड रनिंग। सो बहुत सिंपल सा है, आपको मेनली तो कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए ताकि आप उसको बेसिकली किसी इंटरव्यू में किसी दूसरे को भी एक्सप्लेन कर पाओ, एंड देन बेसिकली आपको कोड करना आना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, एंड थैंक यू।